देख रहे हैं इसका टेस्ट राइड, आप लोग देख सकते हैं ये है हीरो का रेस ZR भाई, जो अभी देख रहे हो इसको टेस्ट राइड में हम लोग धक्का मार रहे हैं। तो हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं आपका भाई करण का लाइक्स भाई भाई। आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं भाई बेसिकली यमहा शोरूम पे, और भाई हम लोग फिर से और स्कूटी देखने जा रहे हैं, और अब भाई आज फिलहाल फाइनली बुकिंग कर देंगे स्कूटी को। और उस शोरूम पे MT 300 है भाई, और उसका भी हम लोग टेस्ट राइड लेंगे और आप लोगों को रिव्यू दिखाएंगे इसी वीडियो पे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। फिलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, 3-4 किलोमीटर है शोरूम, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और बाइक देख सकते हो काफ़ी मज़ा भाग रहा है। तो अभी फिलहाल चलते हैं शोरूम पे, आप लोगों को दिखाते हैं। और गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन ठीक है। हम लोग जो स्कूटी देखने वाले हैं भाई यमहा का, जो XZR या कुछ रहता है वही है, या फिर कुछ और है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं पता। मैं आप लोगों को सीधा शोरूम पे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। और इस स्कूटी को हमने बेस्ट सिलेक्ट किया है भाई, बहुत 4-5 जगह देखा है, बेस्ट स्कूटी 125 cc विथ इन माइलेज परफॉर्मेंस और इंजन रिलायबिलिटी वाइज सब कुछ देख के। लेकिन फीचर्स थोड़ा कम है, वो हम लोगों ने फीचर्स मैटर नहीं करता भाई, इंजन सही रहेगा, स्पेसिफिकेशन सही रहेगा तो भाई कोई भी स्कूटी सही रहता है। सो वो सब देख के हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कूटी है, आप लोगों को दिखाऊंगा, टेस्ट राइड भी लेके दिखाऊंगा, और माइलेज वाइलेज कितना देता है सब आप लोगों को शोरूम पे दिखाऊंगा। गया भाई, बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है मेरे को, इसका चेचिस का बुशिंग ख़राब हो गया है, सो उसको अभी सही कराना पड़ेगा। और फिलहाल हम लोगों को राइड पे भी एक निकलना है, बहुत लॉन्ग राइड है। और भी ऑप्शंस था, यमा होंडा का था, हीरो का था, TVS का था, लेकिन हम लोगों ने यमा क्यों चूज़ किया भाई। बेसिकली मैं 1 साल से चला रहा हूँ यमा का बाइक भाई, मेरे को पता है कितना रिलायबल है इसका इंजन, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है भाई, अभी तक मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस बाइक से। थोड़ा बहुत तो मैं अपर बॉडी का इशू आता ही रहेगा, क्योंकि चलने के ऊपर डिपेंड करता है भाई, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक लॉन्ग राइड होता है, तो भाई जायज़ है कि ये सब होगा ही प्रॉब्लम। लेकिन ठीक है, जितना अगर आप चला रहे हो उतना आप उस पर खर्चा भी करोगे तो बाइक सही रहेगा। सो फिलहाल MT 300 मेरे को देख के एक पसंद आया, ट्विन सिलेंडर का है भाई बेसिकली, तो वहाँ पर भी चलेंगे हम लोग, जाके देखेंगे कैसा लग रहा है। और फिलहाल सामने मेरा भाई चल रहा है, बेसिकली वो अपने पापा को एक स्कूटी गिफ्ट देना चाहता है, सो वही लेगा। सो भाई लोग फिलहाल हम लोग आ चुके हैं शोरूम पे, और देख सकते हो यमहा का शोरूम है, यहीं पर हम लोग स्कूटी फाइनलाइज़ करेंगे। फिलहाल बाइक को पार्क कर देते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है रे भाई, इस जल जाएगा मेरा बाइक, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज के लिए थोड़ा सा रखना पड़ेगा। सो फिलहाल चलते हैं शोरूम के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं। सो हम लोगों ने फाइनल किया है ब्लैक और वाइट में। सो अभी देखते हैं दोनों में से कोई सा पसंद होगा। बेसिकली ये टॉप वेरिएंट है, ये आप लोग देख सकते हो इधर से, लेकिन इसमें एक चीज़ है, डिजिटल मीटर आता है, और मतलब मीटर वाइज ये पहले जितना था वैसे ही है ना, मीटर जो था वो पहले जैसा था वैसा ही है, लेकिन यमहा का स्कूटी है तो भाई रिलायबल होगा इंजन, तो इसके वजह से हम लोगों ने फाइनल किया। अपने पास ऑप्शंस भी था जुपिटर का भी, TVS का भी, लेकिन ठीक है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उसका टेस्ट राइड लेने भाई, बेसिकली जो हम लोगों ने स्कूटी देखा था उसका टेस्ट राइड अभी लेंगे। और फिलहाल इधर है इन लोगों का जंक यार्ड या फिर स्टॉक यार्ड आप लोग बोल सकते हो। सो अभी इसका देखते हैं परफॉर्मेंस, माइलेज तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर अच्छा हुआ तो भाई फाइनलाइज यही करेंगे, डन हो जाएगा, क्या बोलता है? आज फुल डन, कल बाइक उठा लेंगे स्कूटी। सो उसका डिलीवरी ब्लॉग आएगा भाई, ये तो बस हम लोग फाइनलाइजिंग का दिखा रहे हैं, क्या पता और कोई भी हो सकता है, यही नहीं हो सकता। सो ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर यमहा का स्टॉक यार्ड है भाई, सो MT 15 यमहा FZ V3 MT 15 यहाँ पर मैट ब्लैक में टॉप मॉडल में आ गया है, देख सकते हो। यहाँ पर भी नाडो ग्रे, सब कुछ अभी ये मैंने जो नहीं है, मेरा वाला यहीं पर नहीं है, अभी शायद वो बंद हो गया मैन्युफैक्चरिंग। सिर्फ MT FZ R15 यही सब है सेगमेंट में भाई। ये क्रोम कलर का आ गया है, क्रोम डिज़ाइन भाई, अभी काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस भाई बेसिकली आप लोग जो MT FZ चलाते हो सेम ही है, लेकिन इसका एक क्या है डिफरेंस, एडवेंचर के लिए है, टूरिंग के लिए है, बहुत आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हो, सीट वाइज आप लोग देख सकते हो, लेकिन बाकी सब समान, इंजन स्पेसिफिकेशन सब समान है। और अभी इसका नया कलर आ गया है क्रोम कलर में, मीटर तो भाई बहुत सब सिमिलर है अभी। और MT 15 देख सकते हो, इधर स्टॉक ही स्टॉक है, एरोक्स MT 15 R15 स्टॉक, चारों तरफ स्टॉक ही स्टॉक।
लेकिन अपने को अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को MT 300 का रिव्यू आएगा, तो एक्साइटेड हो और रहना भाई नेक्स्ट वीडियो में। एक ही वीडियो में इतना कवर करना सही नहीं है, फिलहाल अभी इसका टेस्ट राइड लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। सो भाई हम लोग फिलहाल ले रहे हैं इसका टेस्ट राइड, आप लोग देख सकते हो भाई ये है, इसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ भाई, XMR का क्या कुछ है शायद। सो इधर आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा, फिलहाल अभी इसको चलते हैं। तो ठीक है, सो फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ा सा इसको भगाते हैं। ठीक है, ब्रेक वाइज तो सही है, लेकिन दो लोग हैं शायद पीछे व्हील में पाम नहीं, मतलब हवा नहीं है, इसके वजह से थोड़ा कम भाग रहा है। अरे तेल तो नहीं है स्कूटी में, फाक भाई ये कंपनी वाले क्या करते हैं। थोड़ा सा उतरना, मैं यहाँ पर रिव्यू बना देता हूँ एक बार। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गए, ये है हीरो का RZR भाई, जो कि हम लोगों ने फाइनल किया है। 125cc में आता है भाई, एयर कूल्ड इंजन के साथ भाई। बेसिकली आप लोग देख सकते हो फ्रंट का लुक ये इस प्रकार का है, और यहाँ पर टेल, मतलब यहाँ पर एक लाइट है जो कि मतलब पार्किंग है, कुछ भी बोल सकते हो। और फिलहाल हेडलैम्प से पूरा बिटी शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है, मेरे को नहीं पता। साइलेंसर वाइज चारों तरफ से देख सकते हो, हम लोग यही फाइनल कर रहे हैं, हम लोगों को यही वाला लेना है। सो फिलहाल आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों का रिव्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्कूटी लवर देख रहा है या उसको चला रहा है तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है, और कमेंट आप लोगों का पढ़ेंगे फिर डिलीवरी लेंगे। सो फिलहाल अभी चलते हैं, और अभी इसका तो भाई फेल ही खत्म हो गया। इसका टैंक कैपेसिटी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, सीट ओपन करने का खुल क्यों नहीं जाए भाई। ये देखो इसका सीट का बूट स्पेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ है। यहाँ पर E20 पेट्रोल घुसेगा, और आप लोग देख सकते हो फिलहाल ठीक ही लगा मेरे को। तू चला ले, थोड़ा बहुत चला ले, इधर ही चलाना, फ्यूल एकदम नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ इसमें तेल नहीं है। सो इसका भी हम लोग रिव्यू लेते हैं कैसा है चलाने में। हम लोग स्कूटी लेने गए और इसका फ्यूल खत्म हो गया, मार दे धक्का, चल पास में ही है, दिखा देते हैं। तो भाई थोड़ी दूर में ही आए, बस इसका फ्यूल खत्म हो गया भाई, गजब है ये कंपनी वाले। अरे कम से कम टेस्ट राइड स्कूटी के लिए थोड़ा सा तेल तो रखना चाहिए भाई, अभी देख रहे हो इसको टेस्ट राइड में हम लोग धक्का मार रहे हैं इतना गर्मी में भाई, शिट। तो फिलहाल चलते हैं उधर, आप लोगों को दिखाते हैं भाई धक्का मारना पड़ा क्या दिन आ मार धक्का मार, क्या दिन आ गया भाई, धक्का मारना पड़ रहा है। यहाँ पर पास में ही है तो इतना कोई टेंशन का वाला बात नहीं है। सो फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा देर बाद मिलता हूँ।